इमरान खान साहब से कि वो स्टेज पर सक्सेशन सर्टिफिकेट एंड लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लॉन्च और अपने खिताब के लिए तशरीफ़ लाएं बसमीम जनाब फ़र नसीम साहब चेयरमैन नादरा और मैंने सुना है कि राना झुल्फ़ार ने असल में ये सॉफ़्टवेयर डेवलप किया सबको आपको मैं खराज तहसिन पेश करता हूँ और इसकी असल वजह ये है कि हम अपने लोगों की जो असल काम है गवर्नमेंट का अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना ये हमारा असल मकसद है गवर्नमेंट असल में लोगों के टैक्स के पैसे के ऊपर फंक्शन करती है और फिर वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि फिर वो उन्हीं लोगों को सर्व करें पब्लिक सर्वेंट्स ये वर्ड पब्लिक सर्वेंट्स है तो जब एक सिस्टम डिके करता है तो वो फिर बजाय गवर्नमेंट को पब्लिक को सर्व करने के लिए पब्लिक गवर्नमेंट को सर्व करना शुरू हो जाती है इसका मतलब कि वो सिस्टम फेल हो गया और वो अमूमन फेल सिस्टम्स के अंदर आपको यही नजर आता है तो ये बड़ा अच्छा कदम आपने उठाया फर आपको मैं इसलिए मुबारक देता हूँ कि हम डे टू डे चीज़ों में पड़े होते हैं फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं और हमें टाइम ही नहीं मिलता इस तरह की चीज़ें अपने आप को अपग्रेड करने का अपने सिस्टम्स को बेहतर करने का लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने का हम क्योंकि डे टू डे फायर फाइटिंग होती है तो इसलिए मैं मुझे बड़ी खुशी हुई कि कि जबकि लॉ मिनिस्ट्री मुझे पता है आपके ऊपर इतने प्रेशर्स हैं और हम भी कंप्लेन करते हैं कि लॉ मिनिस्ट्री के अंदर कोई चीज़ फाइल जाती है तो फिर उसका पता ही नहीं चलता कि वो किधर घूम गई है तो उसके बावजूद अगर आपने इतना टाइम निकाल के ये किया तो मैं स्पेशली आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ अपनी अपनी गवर्नमेंट की तरफ से और पब्लिक की तरफ से जो आपको दुआएं देगी कि इतनी आसानियाँ पैदा किए हैं आपने क्योंकि हर सिस्टम हमारे गवर्नमेंट का इतना मुश्किल हो गया आवाम के लिए इतनी मुसीबतें होती हैं कोई काम करवाने के लिए और ये जो अब आपने अभी सक्सेशन सर्टिफिकेट का बताया कि अगर वो नॉर्मल प्रोसीजर से जाए तो स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ तो वो जो बाहर बैठे हुए हैं उनको पहले यहाँ आना पड़ता है और वो जो सारा प्रोसीजर है वो बड़ा एक तकलीफ दे है जो कि बड़ी सिंपल सी चीज़ होनी चाहिए जो कि अब आपने बना दिया है इसको मैं ये चाहूँगा कि और भी हम अब तेज़ी से जो अल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका इस्तेमाल करके लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें क्योंकि हमारे लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बड़ी शॉर्टकट्स पैदा कर दी हैं वो चीज़ें जो कि बड़ी मुश्किल थी और बड़ा टाइम लेती थी ये एक बिल्कुल इनकलाब आ गया टेक्नोलॉजी का आ, शौकत खानम ने मैं आपको सिर्फ मिसाल देता हूँ कि आज से 20 साल पहले हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया और इनहाउस डेवलप किया जो आज लोगों को भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को वही सॉफ्टवेयर देते हैं तो सारा शौकत खानम पेपरलेस बन गया कोई भी कोई सब कुछ कोई पेपर इस्तेमाल नहीं होता था शौकत खानम में उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ कि किसी किस्म की करप्शन ही ख़त्म हो गई कोई पिल ही ख़त्म हो गई ये पॉसिबल ही नहीं था कि कोई रसीदें फॉल्स बना दे या वो जो जो सारा सिस्टम था ख़ास तौर पर कैंसर की बड़ी महंगी दवाइयाँ होती हैं तो फार्मेसी के अंदर फ्रॉड चल सकता था तो जैसी पेपर पेपरलेस हमारा सिस्टम आया सारा हर किस्म का फ्रॉड ख़त्म हो गया और ये ये ही अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट में <coughs> कि ई गवर्नेंस पूरी अपनी लेके आए आएँ और उसका मकसद ही ये है कि ये जो एक सारा प्रोसेस है पेपर पोशिंग का जिसमें फ़ाइल गुम हो जाती है फिर फाइलों को आग भी लग जाती है आपको पता है हमेशा वो लैंड रिकॉर्ड्स को आग लग जाती है तो वो भी सारा सिस्टम इससे इससे बच सकता है ऑनलाइन लाने पे और ज़मीनों का जो असल प्रॉब्लम्स हैं जो अब हम इन उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि ये जो आ, अदालत में आधे केसेस ज़मीनों के होते हैं कब्ज़ा ग्रुप भी इसलिए है क्योंकि ज़मीनों के केसेस सॉल्व नहीं होते तो उसके लिए अब हम सारा लैंड रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज़ कर रहे हैं और इन ये जो हमने टारगेट सेट किया हुआ ये अगस्त तक हमारे इस्लामाबाद जो मेन शहर है जो बिल्कुल इनके लैंड रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज़ हो जाएंगे तो वहाँ भी लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं लैंड रजिस्ट्री और फिर वो जो सारा पैसा चलता है जो आगे हम अपने जाना है वो यही तरीका आगे जाने का और जो ये जो आज आपने सक्सेशन सर्टिफिकेट्स के अंदर लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की इसी तरह अब हमने मुसलसल लोगों की जिंदगी आसान करते रहना है और ये जो बायोमेट्रिक सिस्टम है जो और आपसे तारेक आपसे बड़ी हमें उम्मीदें हैं कि आपने ये नादरा में बहुत बड़ी शुरू में रेवोल्यूशनरी चेंजेस किए थे अब आपसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे कि जो हम कैसे हम अपने शहरीों के लिए हर सतह पर आसानियाँ पैदा करें हम इलेक्शन में भी अब चाह रहे हैं ये कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी शामिल हो ई वोटिंग हो नबे लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी है हमारा वो इतना बड़ा एसेट है इस मुल्क का वो उनके रिमिटेंसिस पे पाकिस्तान चलता है लेकिन उनको हम पार्टिसिपेट इसलिए नहीं वो कर सकते कि हर किस्म की प्रॉब्लम बता देते हैं कि पाकिस्तान में आके वोट डालो तो उनके लिए भी ई वोटिंग का हमने आपसे उम्मीद लगाई हुई है कि एक ऐसा सिस्टम देंगे आप जो फुल प्रूफ हो और फिर दूसरा पाकिस्तान के अंदर ई वी एम मशीन्स का वो सारा वो ई वी एम मशीन्स वो काम करेंगी जो एलिमिनेट कर देंगी जिधर सारी धांधली होती है इलेक्शन जब जैसी पोलिंग क्लोज होती है और जब रिजल्ट अनाउंस होता है उसके बीच में जो जुडिशल कमीशन बनी थी उसमें जो सारी निशानदेही की की गई थी वो उस टाइम पर जैसी वोटिंग ख़त्म होती है और अनाउंस होता है उसके बीच में सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हर किस्म की बेजाबतियाँ होती हैं धांधली होती है तो जब ई वी एम मशीन्स आएँगी तो वो सारा प्रोसेस बीच में से निकल जाएगा जैसे इलेक्शन ख़त्म हुआ बटन दबाया रिजल्ट आ गया जिसने क्वेश्चन किया उसकी एक पेपर ट्रेल है वो जाके फिर इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर सकता है लेकिन वो एक ऐसा सिस्टम है जो पाकिस्तान के लिए स्वाए 1970 की सारी इलेक्शंस के अंदर आ, आ, डिस्प्यूट हुआ कंट्रोवर्सी हुई स्वाए 1970 की सारी इलेक्शंस में ओपोजिशन ने नहीं माना तो ये एक अब पहली दफ़ा अब हम इन एक ऐसा सिस्टम लेके आएंगे कि जिसके ऊपर लोगों को ट्रस्ट होगा और जो जिस तरह ट्रम्प ने बड़ी कोशिश की थी इलेक्शन को चैलेंज करने की लेकिन क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया वो नहीं कर सका कहीं भी वो डिस्प्यूट नहीं कर सका क्योंकि उनके पास उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया उसी तरह इन हम अपने इलेक्शंस भी पाकिस्तान में ऐसे करवाएंगे कि जो अपोजिशन है वो मान जाए अगर वो हारेगी तो मान जाएगी कि उन्होंने उनको फ्री एंड फेयर तरीके से हराया गया और वो रिजल्ट्स कबूल करेंगे मैं फिर से फरुख आपको नादरा आपकी टीम को सबको मैं मुबारक देता हूँ ये इस, इस ऐसी इनोवेशन से जिससे लोगों की ज़िंदगी आसान होंगी थैंक यू